अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक इंडिया का यूट्यूबर है, उसकी तरह आज हम भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं जी। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कबूतरों को बाजरा कैसे देना है, दाना कैसे देना है कबूतरों को। ये हो गया जी, नीचे बोरा हो जाए। अगर आप जंगलात में रह रहे हैं, गाँव तबके में रह रहे हैं, तो नीचे बोरा बिछाएँ या कोई कपड़ा बिछाएँ। अगर आप शहरों में रह रहे हैं, आपके पास ट्रे बनी हुई है, तो ट्रे रख लें। उसके बाद लोग दाना डालते जाएं बोरे में, जितने आपके कबूतर हों। इस तरह आप डालते जाएंगे दाना। तो जनाब ये भी एक मेन बात होती है, गुर की बात है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये हमने दाना डाल दिया, और आखिरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा मैं दाना इनका पूरा कर लूँ कि कितना दाना मैंने डालना है इनको। ये मैंने पूरा कर दिया दाना। दोस्तों जो बात बताने वाली है वो ये है, पानी। ये पानी आप लोगों ने डोल देना है, जैसे बर्तन खाली रखना है और कबूतरों को दाना डाल देना है। दाना खा के तसल्ली कर लें, तसल्ली कर लें दाना खा के, भाई आपके कबूतर कम्प्लीटली दाना खा चुके हैं। उसके एक घंटे बाद कबूतरों को पानी दिया करें। ये बड़ी ही गुर की बात है, इसको इजी ना समझना। मैं तो मजाक मजाक में एक वीडियो बना दी मैंने, मगर ये वैसे ज़रूरी होता है कि आप लोग कबूतरों को पानी जो है फौरन न डाला करें। एक होते हैं ना जल्दबाजी में डाल जाते हैं, तो ये खिचड़ी बन जाती है। कबूतर बीमारी यहाँ से शुरू होते हैं। अगर आपके कबूतरों के पोटे में पानी है ना, अब इनको दाना डाल देंगे तो ये पोटा रोकने की वजह भी बन सकते हैं। तो थोड़ा देर से पानी दिया करें। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।